हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि मैं हूं आपका रहन वाला और आप देख रहे हैं वो डोबियोस फॉल के। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जैसे कि नई आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच चुके हैं। या दोस्तों, दुनिया में अगर औलाद तकलीफ में हो तो कैसे चुप बैठ सकता है बाप? तो वो तो चीख उठा, तो बल्कि एक ऐसा ही दर्दनाक वाकया सामने आया। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते चलेंगे ये दर्दनाक वाकया किस शहर में आया। तो इस वीडियो में आपको मजीद बताएंगे और इंशाल्लाह वीडियो भी दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ना भूलिएगा। हुआ कुछ यूं कि एक बच्चे को अचानक से बुखार हो गया और आस्ता आस्ता वो बुखार तेज़ होता चला गया। लेकिन जब वालिद ऐसे अपने बाहों में उठाए अस्पताल भागता हुआ और डॉक्टर के कमरे की जानब भागता तो मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब आए नहीं है। उसके बाद ये बाप परेशान के आलम में रोता हुआ बोले, अब मैं क्या करूं, बच्चे की हालत बहुत ख़राब है। ये अफसोसनाक वाकया कहीं और का नहीं बल्कि सिंध के इलाके दादू सोशल अस्पताल के का है। तो चलिए दोस्तों, उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उस वीडियो में आप मज़ीद जानकारी ले सकते हैं। या दोस्तों, ये दर्दनाक वीडियो सहाफ़ा हामिद मीर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की और कहा कि जिस अस्पताल में डॉक्टर ढूंढते मरीज मर जाए, ऐसे अस्पताल को क्या कहा जाए। वाज़े रहे कि कुछ ही देर में अब तक इस वीडियो को 4000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। तो आपको दिखाते चलें कि ये वीडियो किस शहर में चले। तो चलिए दोस्तों, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जैसे कि नई आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच चुके।